हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं मार्च 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले भारत पेट्रोलियम में। यहाँ पे आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन सबसे पहले क्या देखने मिला है, तो यहाँ पे आप देखें अगर तो यहाँ पे करंटली जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो यहाँ पे सेशन जो है चालू है 0.33-0.34% के आसपास का जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम जो हमें देखने जरूर मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे हम जो स्टॉक का कोई जो है नेक्स्ट डे का एनालाइज नहीं करने वाले, मंथली का एनालाइज करने वाले। तो फिलहाल यहाँ पे हम जो है लास्ट मंथ में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने वाला वही हम देखने वाले। इसकी वजह से यहाँ पे जो है मैं ये जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए बिना समय को सबसे पहले देखते हैं लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस हमें किस तरह का देखने मिला है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखें 23-96% का पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने मिला है। टेक्निकल जरूर यहाँ पे बाई का इंडिकेशन देते हैं लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI या इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लास्ट मंथ का यहाँ पे जो हमें किस तरह का कैंडल और किस तरह का यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने मिला है। तो ये रहा हमारे यहाँ पे मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट में हम फरवरी का मंथ का देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फरवरी का मंथ। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो हाई वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। यहाँ पे कैंडल भी जो है बहुत ही बड़ी बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी भी बड़ी है और ऊपर के साइड में यहाँ पे बड़ी सी विक भी हमें देखने मिल रही है और नीचे के साइड में छोटी सी विक जरूर देखने मिल रही है। RSI हमारा जरूर 77-78 के आसपास आ चुका है जो हमें एक जरूर नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है लेकिन जिससे मैंने कहा कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए। बाकी यहाँ पे मंथली वाइज जो स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है इसका मतलब स्टॉक में हमें अच्छा लॉन्ग टर्म मोमेंटम जो है देखने मिल सकता है लेकिन हमें जरूर जो है यहाँ पे अच्छे सपोर्ट का जो है जरूर वेट करना चाहिए अगर हमें कोई फ्रेश बाइंग करनी है। तो बाकी चलिए देखते हैं वीकली के चार्ट पे किस तरह हमें जो है किस तरह का मोमेंटम देखने मिल सकता है इस मंथ में। यहाँ पे उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जरूर मार्क करके दूंगा। तो जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जूम करके मैं बात करता हूँ क्लोजिंग की। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूँ क्लोजिंग की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 625 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 614 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 636 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है इस मंथ में घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 583 का, उसके बाद क्या 557 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या अगला रेजिस्टेंस आता है 660 का, उसके बाद क्या 686 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए अपना यहाँ पे इस मंथ का जो है ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन इस मंथ के लिए अगर मैं कहूँ तो जरूर यहाँ पे एक नेगेटिव मूव का 583 से लेकर 614 के रेंज में हाई एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इस रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। बाकी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो और स्लाइड कर सकता है लेकिन इस रेंज में जरूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे लास्ट मंथ के क्लोजिंग के बेसिस पे कि इस रेंज में हमें क्लोजिंग देखने मिल सकती है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।